कोई काम पास्ट में प्रोसेस में था और कुछ वक्त से था। जब हमें ऐसे हालात को बताने हो तो तब हम यूज करते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट, एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस, अगर हमें इतना ही बोलना हो तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, कि पास्ट में कोई काम क्या था, प्रोग्रेस में था, तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम पूरा बोले एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चल रहा था और पास्ट में कुछ खास समय तक चला, उसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है वो काम, अभी भी वो काम क्या है, प्रोसेस में, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा है, मतलब सुबह में पास्ट में पढ़ना स्टार्ट हुआ, अभी भी पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वह सुबह से पढ़ रहा था, इसका मतलब वो अभी नहीं पढ़ रहा है ना, और अभी अगर नहीं है, अभी से पहले अगर एक मिनट पहले भी उसने पढ़ाई बंद कर दी है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पास्ट है। तो पास्ट में ही काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। और उसमें दिखाना हो कंटिन्यूअस वाला कोई सेंस, तो हम उसका यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपका भाई यहाँ 4 महीनों से पढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ कि आपका भाई 4 महीने पहले ही एडमिशन लिया है और अभी भी पढ़ रहा है, ये इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि आपका भाई यहाँ 4 महीनों से पढ़ रहा था, मतलब उसका कोर्स जो है खत्म हो गया, अब वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसका कोर्स का खत्म होना पास्ट की बात है। मान लीजिए कल कोर्स का खत्म होना पास्ट की बात है, अब कल से पहले वो पढ़ रहा था, तो पास्ट परफेक्ट, और ये काम कंटिन्यू था इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। वह कब से मेरा इंतजार कर रहा था, वह कब से मेरा इंतजार कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वो कब से मेरा इंतजार कर रहा था, मतलब इंतजार अब वो कर नहीं रहा है, तो इंतजार समाप्त हो गया, ये पास्ट की बात है। मान लीजिए सुबह से इंतजार कर रहा हो कोई आपका, 7 बजे से 9 बजे तक आप आए नहीं, तो 9 बजे वो चला गया, तब आपको कोई कहता है कि कोई आदमी आपका वेट किया बहुत देर, तो आप पूछोगे ना कि कब से वो इंतजार कर रहा था, तो बताया जाएगा आपको कि वो सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहा था 9 बजे तक, तो मतलब वो सुबह से इंतजार कर रहा था, अब वो आपका इंतजार नहीं कर रहा, इंतजार करना खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ही है पहले वो पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट जब पढ़ा रहे थे आप लोगों, तो बताए थे कि पास्ट परफेक्ट के लिए जरूरी है कि पास्ट का पास्ट हो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट का पास्ट तो होगा ही और कोई काम प्रोसेस में भी होगा, ठीक है। जैसे देखिए, वह रो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वह सुबह से रो रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब रो रहा था पास्ट में, ये काम कंटिन्यू था, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। वह सुबह से रो रहा था, टाइम दे दिया गया है कब से, है ना, और पास्ट में ये काम खत्म हुआ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह रो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह सुबह से रो रहा है, मिस अभी भी रो रहा है, इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, और बताया जा रहा है कि कंटिन्यू था कभी, इसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट देना ही है, सब्जेक्ट के बाद हैड देना है, हैड इसलिए क्योंकि ये पहले पास्ट परफेक्ट है और V4 से कनेक्ट कर रहे हैं हम बीन को, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट, और 4 सिंस टाइम जो भी है वो देना है आपको, ठीक है।